माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ये क्या हुलिया बना रखा है, पूरा टपोरी लग रहा है, टपोरी। अरे जरा ढंग से कपड़े पहना कर, ये क्या लाल पीला पहन लिया है। एक तो वैसे भी कोई लड़की तुझे पसंद नहीं कर रही है, रिश्ते वालों को फोटो भेज भेज के थक गई हूँ, और ऊपर से तू, अरे जरा तू रहने का थोड़ा तौर तरीका सीख ले बेटा। ऐसा लग रहा है कहीं सड़क का वसूली करने वाला गुंडा मवाली है। और ये शर्ट के बटन कैसे खोल रखी है तूने? अरे माँ बस करो, ये आजकल का फैशन है। अरे ऐसे फैशन को डाल चूल्हे में। तुझे तेरी शादी करनी है या नहीं? हाँ माँ, शादी तो करनी है, करवा दो ना। मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है, अब तो सारे दोस्त मुझे चिढ़ाने भी लग गए हैं कि तेरी शादी होगी भी या नहीं। अरे कुछ गलत नहीं कह रहे हैं तेरे दोस्त, अगर तेरे यही रंग ढंग रहे ना तो सच में शादी के लिए तरस जाएगा तू। मम्मी करवा दो ना मेरी भी शादी, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। वो बगल वाली सलोनी आंटी की, रवि को देखो कैसा दिखता है, वो पूरा का पूरा टपोरी ही है वो। हाँ बात तो तू सही कह रहा है, तू तो खैर अपने पहनावे से लगता है टपोरी, और वो तो सच में टपोरी का टपोरी ही है। तो फिर अगर उसकी शादी हो सकती है तो मेरी नहीं? कौन देगा तुम दोनों को अपनी लड़कियाँ, किसकी मति मारी गई है? एक तो वो रवि टपोरी, ऊपर से उसकी माँ, जब देखो टेप रिकॉर्डर के जैसे 24 घंटे बजती रहती है, इसकी चुगली उसके घर, उसकी चुगली उसके घर। कौन देगा अपनी बेटी का हाथ उस घर में, भगवान ही जाने। ओ सरला बहन, घर पे हो कि नहीं? ये लो नाम लिया और शैतान हाजिर, सड़ सड़ के मरेगी ये। अरे माँ धीरे बोलो ना, इधर ही आ रही है, सुन लेगी। आ जा सलोनी, कैसे आना हुआ? आज क्या खत्म हो गया घर में, चाय पत्ती चीनी दूध या फिर कुछ नहीं तो सब्जी लेने आई होगी? अरे बस भी करो, आज मैं कुछ लेने नहीं देने आई हूँ। क्या देने? और तू राम जाने क्या देने आई है। अच्छा बता क्या देने आई है? मिठाई लेके आई हूँ मिठाई, मेरे बेटे रवि की शादी तय हो गई है, सगाई भी कर दी है हमने, बस वही खुशखबरी देने आई थी। क्या तेरे नमूने बेटे की सगाई हो गई? क्या बोला बहन आपने? अरे नहीं नहीं मैं तो बस ये बोली थी तेरे बेटे की सगाई हो गई, कहाँ कैसे किसने करवाई भाई? तेरा बेटा तो बहुत ही होनहार है, कैसे हो गई तेरे बेटे की सगाई? वो तो है, मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है, करोड़ों में। खैर छोड़ो, अरे वो शादी वाली आंटी है ना, उनने करवाई है मेरे बेटे की शादी। वो किसी की भी शादी करवा सकती हैं, तुम्हारे बेटे की भी शादी नहीं हो रही है ना? चले जाओ, बोल रही हूँ बहन, वो तो फटाफट करवा देगी, बस जरा खर्चा ज़्यादा लगेगा क्योंकि फीस उसकी बहुत ज़्यादा है। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, चलो ना शादी वाली आंटी के पास। अरे चुप कर, चलूँगी ना कि अभी चल दूँ? बस कुछ है तो है नहीं, लड़कियाँ तो मुँह पे मना कर देती हैं, बस शादी करनी है इनको। ठीक है सलोनी, जरा उसका एड्रेस भेज देना तुम्हारी शादी वाली आंटी का, इसको भी लेके जाऊंगी, शायद इसका भी कुछ जुगाड़ बना दे। हाँ जरूर, वो किसी का भी रिश्ता करा सकती है, किसी का भी। मम्मी चले। चल और कर भी क्या सकते हैं, तेरी शादी तो कैसे न कैसे करवानी ही है। शादी वाली आंटी आप ही हैं क्या? हाँ जी। ये आपके ऑफिस में इतना अस्त व्यस्त सब कैसे पड़ा है? वो क्या है ना, अभी अभी एक की शादी करवाई थी, उनको जरा लड़की कुछ पसंद नहीं आई तो थोड़ा वही गुस्से में तोड़ फोड़ करके चले गए। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, आपके बेटे की शादी मैं बढ़िया से बढ़िया लड़के से करवाऊंगी। हाँ आंटी, मेरी जल्दी से जल्दी शादी करवा दो ना, मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई और सब मुझे चिढ़ाते भी हैं। चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। लगता है आपका बेटा कुछ ज्यादा ही होनहार है। हाँ कुछ ऐसा ही समझिए। ठीक है, हो जाएगी आपके बेटे की शादी, चिंता मत कीजिए, मैं इसीलिए तो बैठी हूँ। बस आप ये बता दीजिए कि आप कौन सा पैकेज लेंगी? पैकेज? कैसा पैकेज? पहला सिल्वर पैकेज है, जिसमें मैं सिर्फ लड़की को आपके लड़के से और आपसे मिलवा दूंगी, आगे उसकी मर्जी वो आपके बेटे को पसंद करती है कि नहीं। दूसरा है गोल्ड पैकेज,
जिसमें मैं एक से एक अच्छी लड़की को लाऊंगी आपके बेटे से मिलवाने के लिए और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके बेटे को पसंद कर ले। और तीसरा है डायमंड पैकेज, जिसमें एक से एक अच्छी होनहार लड़कियों को लाऊंगी, वो भी सुंदर, और साथ ही साथ आपके बेटे को भी ट्रेन करूंगी। उसका ये जो टपोरी वाला लुक है ना, इसको चेंज करके एक पूरा जेंटलमैन बनाऊंगी ताकि कोई भी अच्छी लड़की उसको ना कर पाए। मम्मी मम्मी, आप डायमंड वाला पैकेज ले लो ना, ये आंटी मुझे भी चेंज कर देंगी और शादी भी जल्दी हो जाएगी, इनकी पूरी गारंटी है। ठीक है बहन जी, मुझे डायमंड वाला पैकेज ही दे दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आप 1,00,000 रुपए जमा कर दीजिए, बाकी मिठाई के मैं बाद में लूँगी आपसे। हे भगवान, 1,00,000 रुपए इस निखट्टे की शादी के लिए, क्या करूँ, शादी तो करनी ही है। ठीक है बहन जी, मैं घर जाकर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाती हूँ पैसे। ठीक है, समझिए फिर आपके बेटे का रिश्ता पक्का। बधाई हो बहन जी, आपके बेटे की शादी जो हो गई, बहुत होनहार बहू मिली है आपको, दोनों खुश रहेंगे हमेशा। वो तो है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए, बस लड़की अच्छी हो जो मेरे बेटे को और मेरी घर गृहस्थी को संभाल ले। हाँ बहन जी, बिल्कुल आपके बेटे के जैसी लड़की है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। अब लाइए मेरा मिठाई का नेक, पूरे 11,000 रुपए। अरे बहन जी, क्यों मारने पे लगे हो, पहले तो 1,00,000 रुपए ले लिया, अब 11,000 की मिठाई। अरे ऐसी कौन सी मिठाई खाते हो जो 11,000 की आती है, मेरे घर में रखी है, मैं ही खिला देती हूँ। चलो कोई नहीं बहन जी, आपकी बात भी मान लेती हूँ, आप ही खिला दो मिठाई। अरे किरण बेटा। जी माँ। बेटा जा, मिठाई पड़ी है अंदर, ला आंटी को खिला दे। कौन सी मिठाई लाऊं माँ, गुलाब जामुन की, काजू कतली? अरे कोई सी भी ला दे, वहीं पड़ी है। कहाँ पड़ी है माँ, फ्रिज के अंदर या फ्रिज के बाहर? अरे किचन में रखी है, तू जाएगी अंदर तो मिलेगी ना। वही तो पूछ रही हूँ माँ, किचन में कहाँ रखी है, फ्रिज में रखी है कि बाहर रखी है, बताओगे तभी तो लाऊंगी। लगता है आपकी बेटी आपके बेटे से भी ज्यादा होशियार है बहन जी। हाँ बहन जी, सो तो है। माँ बताओ ना, मिठाई लानी है कि नहीं लानी है? तू रहने दे, मैं ही ले लेती हूँ, मेरी किस्मत फूटे हैं। भगवान, ये दोनों नमूने मेरी ही झोली में डालने थे आपको। मम्मी मैं तो आपकी बेटी हूँ ना लाडली, नमूना तो सिर्फ भाई है। अरे चुप हो जा, जा तू अपना काम कर, मैं देख लूंगी यहाँ। ओके मॉम। रहने दो बहन जी, मुँह मीठा हो गया आप लोगों की इतनी प्यारी बातें सुनकर। वैसे भी 1,00,000 का जुगाड़ तो हो ही गया। और क्या मतलब आपका? कुछ नहीं बहन जी, कुछ नहीं। अब आप अपनी बहू के साथ अपनी घर गृहस्थी एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। जी बहन जी, नमस्ते। बहू चाय दे दे एक कप, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। माँ चाय बहू आपको कैसे देगी, वो तो 10 बजे सो के उठती है। क्या बहू अभी तक सो रही है? हाँ माँ, सिया 10 बजे सो के उठेगी, उसके बाद कॉफी पिएगी, फिर उसके बाद किचन में जाके कुछ नाश्ता करेगी और उसके बाद घर का कुछ काम करेगी। क्या, और तुझे ये सब कैसे पता? मुझे सिया ने कल ही अपनी वर्किंग की पूरी लिस्ट दी है, तभी तो आया हूँ नीचे चाय बनाने। क्या, हे भगवान, सारे के सारे नमूने मेरी किस्मत में क्यों लिख दिए? अब तू कहाँ जा रहा है? सिया के लिए चाय बनानी। मेरे लिए भी बना देना। ठीक है माँ। हे भगवान, क्या सुनहरे अक्षरों से मेरी किस्मत लिखी है। एक तो इतने दिनों में शादी हुई मेरे बेटे की, वो भी ऐसी बहू, अभी 2 कम पड़ रहे थे क्या जो आपने 3री भी भेज दी मुझे तलने के लिए। इससे अच्छा तो कुवारा ही रहता, कम से कम 2 ही बच्चों को मुझे संभालना पड़ता, अब आपने 1 और दे दिया। हे भगवान। माँ जी आप क्या खाओगे? प्रिया चलो दोनों खाना। क्या, तो आप दोनों तो मिलकर खाना बनाओगे? बहुत अच्छी बात है बहू, तो बेटी को भी सिखाते खाना बनाना, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। अरे माँ जी, तो मुझे कौन सा आता है खाना बनाना, मैं तो प्रिया को इसलिए बोली थी कि हम दोनों मिलकर खाना ऑर्डर करते हैं,
किसको क्या खाना है सब लोग बता दीजिए और हम लोग ऑर्डर कर लेंगे। क्या हे भगवान, क्या हो गया मेरे इस घर परिवार का? एक एक दिन का जोड़ जोड़ के गृहस्थी बनाई है और ऐसी औलादें दे दी आपने मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको ऐसी ही मज़ेदार अटपटी चटपटी कहानियाँ मिलती रहें।